पूरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के डामर गांव का है, जहां की ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान ग्रामीण अपनी व्यथा सुनने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी शिकायती पत्र में बताया कि सभी ग्रामीणों ने गांव में लाभार्थियों को दिए जाने वाली योजनाओं में प्रधान द्वारा मांगे जाने वाले कमीशन का विरोध किया था और गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा आरटीआई के तहत मांगा था, जिसके कारण दबंग प्रधान आरटीआई आवेदन को वापस लेने का दबाव बना रहा है और राजनीतिक वर्चस्व के कारण रंजीशन निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने मामले की जांच कर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की थी, उसकी शिकायत जिलाधिकारी जी से की थी, उसी में फिर यहाँ पर ग्राम प्रधान ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने के लिए थाना पुराना में शिकायत की, इसलिए पुलिस अधीक्षक जी को इसलिए आया हूँ। मैंने आरटीआई के तहत मैंने सूचना मांगी, वो प्रधान मेरे को दबाव डालता है, मेरे पहले इसको वापस ले लें, इसके बाद सूचना ले कर फिर मैंने जो है ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को दिया है, एसपी साहब को दिया है, कहता है इसको प्रार्थना पत्र को वापस ले लें, अगर इसको वापस नहीं लेगा तो समझ तेरे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जेल में सड़ा डालूंगा तुम्हें, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ ज्ञापन देने के लिए। क्या नाम है आपका? होरीलाल।